विधायक अमित जोगी ने फसल बीमा के नाम पर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश अग्रवाल को मिली जानकारी के आधार पर अमित जोगी केंद्र और राज्य सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। जोगी ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से जबरिया बीमा की राशि वसूली और उसको सीधे बीमा कंपनी को दे दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा और शेष टैक्स के नाम पर किसानों से वसूली की गई। 2 साल तक किसानों से शेष टैक्स लेकर शासन ने टैक्स लेना अचानक बंद कर दिया। सरकार ने इस राशि का कहां उपयोग किया इस बात को भी नहीं बताया जा रहा है, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त ने आरटीआई के तहत जवाब देने के आदेश दिए, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रहे। पहला विधायक जो अभी एक महीने पहले तक उपनेता प्रतिपक्ष में थे, वो छत्तीसगढ़ की जो अपनी पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी, उसकी उम्मीदवार बनकर हमारे मारवाही विधायक अमित जोगी ने फसल बीमा के नाम पर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश अग्रवाल को मिली जानकारी के आधार पर अमित जोगी केंद्र और राज्य सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए नजर आए।